हेलो बच्चों, क्या चाल है? एकदम। तो आज अपन बात करेंगे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे कि अपन ने पहले बात की थी सेक्शन ए की, मॉडल पेपर की। अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, सेक्शन सी और सेक्शन डी की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं, 16, 17, 18 नंबर के। ठीक है, और उनके नंबर होते हैं 3 नंबर के, और तो कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन, तो 9 नंबर के। ठीक है, ऐसे आपके सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं, 19 और 20। ठीक है, और दोनों कितने कितने मार्क्स के आते हैं? 4 4 मार्क्स के आते हैं, तो ये कितने नंबर का हो जाएगा? 8 नंबर। तो 8, 9, 17, इनमें केवल चुनिंदा टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही शॉर्ट वे में अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, आप केवल वही पढ़ें सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए। ठीक है, इन टॉपिक्स को पढ़ने से आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले अपन बात करेंगे सेक्शन सी की और फिर बात करेंगे अपन सेक्शन डी की, आपको कौन कौन से चैप्टर में से क्या करेंगे। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी, ठीक है, अब सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर पहला। कौन चैप्टर में से आएगा? फर्स्ट चैप्टर में से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जिस चैप्टर में से पढ़ना है इसको। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल 2 ही टॉपिक है ऐसे जिसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, जैसे कि पहला टॉपिक मैं बताता हूँ, क्या विद्युत ध्रुवीकरण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष व निरक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, एक तो ये टॉपिक पढ़ना अपन इसके लिए। ठीक है, सेकेंड टॉपिक पढ़ना आपको गॉस के नियम के 3 अनुप्रयोग दिए होंगे, गॉस के नियम के 3 अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें पहला अनुप्रयोग आपके अनंत लंबाई के साथ, अनंत लंबाई का तार। ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग आपका अनंत लंबाई के समतल चालक, अनंत लंबाई की समतल चादर या परत, चादर या फिर परत। ठीक है, तीसरा टॉपिक है आपका आवेशित खोखला ध्वनि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप केवल इतने ही टॉपिक पढ़े, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना, आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। इसमें से आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। ठीक है, ये मैंने अपने एनालिसिस से पता किया इसमें से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना है एक तो बायो सावर्ट का, क्या पढ़ना है? बायो सावर्ट का नियम और उसका जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग में आएगा आपका कुंडली के वृत्ताकार कुंडली, उसके अक्ष पर चुंबक क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबक क्षेत्र, इसका डेरिवेशन पढ़िएगा। ठीक है, सेकेंड टॉपिक पढ़िएगा आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। ठीक है, इसके अंदर एक समान चुंबक क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, इसमें आपको एक तो आपका आवेशित कण है या तो वो थीटा एंगल पे चुंबकीय क्षेत्र में घुसता है या फिर वो 90 डिग्री कोण पर घुसता है। ठीक है, इन दोनों का आपको डेरिवेशन देखना है। ठीक है, एक तो आपको थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए और एक किसी भी कोण थीटा, किसी भी कोण थीटा
ठीक है। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो देखना है आपको धारा मापी। धारा मापी इसको गैलोरीमीटर ही बोलते हैं। इसका आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें, इसमें धारा मापी की बनावट, धारा मापी की कार्य प्रणाली और धारा मापी का सिद्धांत, प्लस धारा मापी को कैसे अमीटर में किया जाता है, कैसे वोल्टमीटर में किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई जी है गैलोरीमीटर है उसको एमीटर में कैसे करते हैं और गैलोरीमीटर को वोल्टमीटर कैसे, ये टॉपिक पढ़े। और लास्ट एक टॉपिक पढ़ना आपको एम्पियर का परिपथी, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम और इसका जो अनुप्रयोग है परिनालिका, कौन सा है परिनालिका, तो परिनालिका का आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये टॉपिक पढ़ने आपको क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपके आएगा चैप्टर नंबर 14 में से, कौन से चैप्टर में से आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से, अचालक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, इसके अंदर आपको केवल दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो आपका टॉपिक है कौन सा, अग्र बायस और पश्च बायस, अग्र बायस और पश्च बायस। इस टॉपिक को आप पूरा पढ़ें, इसके अंदर आप इसको अभिलाक्षणिक वक्र भी पढ़ें, इसके जितने भी अभिलाक्षणिक वक्र है दो वो इसके अंदर आपको पढ़ने, ठीक है, उनके डेरिवेशन देख लें, उसका परिपथ चित्र कैसे बनता है, अभिलाक्षणिक वक्र प्लस परिपथ चित्र। ठीक है, सेकंड टॉपिक पढ़ना आपको दृष्टिकरण। दृष्टिकरण में दो टॉपिक है, एक तो आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकरण, एक है आपका अर्ध तरंग दृष्टिकोण। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सेक्शन सी के अंदर तीन क्वेश्चन आएंगे और तीनों के लिए आपको केवल इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, इन टॉपिक को पढ़ के आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन सेक्शन डी की। सेक्शन डी, सेक्शन डी में पता आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन आएंगे और उनमें भी आपको अथवा में और भी ऑप्शन मिलेगा, सेक्शन सी में भी आपको और वाला ऑप्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो भी उन्हीं चैप्टर में से होगा जो मैंने आपको बताया। अब सेक्शन डी में बात करें अपन, तो सेक्शन डी के अंदर जो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा 19, क्वेश्चन नंबर क्या मिलेगा आपको 19, और वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 7 में से, कौन सा चैप्टर, वो प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी आपको ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, केवल तीन ही टॉपिक है वो आपको ढंग से पढ़ने। ठीक है, पहला टॉपिक तो पढ़ना है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक चीज इसे ध्यान रखना, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो होगा आपका क्या डेरिवेशन, और जिस भी टॉपिक का डेरिवेशन होगा उसका साथ में क्या दिया जाएगा, न्यूमेरिकल। ठीक है, ये 4 नंबर का होगा आपका, अब या तो 4 नंबर ऐसे पूछ सकते हैं 3+1, या फिर 4 नंबर ऐसे पूछ सकते हैं 2+। ठीक है, 2 नंबर का डेरिवेशन, 2 नंबर का नंबर, अगर 2 नंबर का नंबर आएगा तो बड़ा नंबर कहलाएगा, और 1 नंबर का नंबर कहलाएगा तो वो छोटा नंबर कहलाएगा। ठीक है, और डेरिवेशन 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, अगर 3 नंबर का डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन बड़ा होगा, और 2 नंबर का डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इसको आप, है ना, आपका आई आर एम एस और शिखर मान के बीच में जो संबंध है इसका आपको डेरिवेशन पढ़ना है। आई आर एम एस जो होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और आई नोट होता है धारा का शिखर मान, इनके बीच में जो संबंध निकालने का डेरिवेशन है वो आपको कंटेस्ट पढ़ना है, बढ़िया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, तो वीडियो आप देख सकते हो। सेकेंड चीज क्या पढ़नी है आपको, सेकेंड पढ़ना है आपको एलसीआर परिपथ,
क्या पढ़ना है? एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ के तीन केस होते हैं, आपको तीनों के तीनों केस पढ़ने हैं, ठीक है? तीनों केस में क्या होता है, एक में आपके प्रेरकत्व का विभवांतर ज्यादा होता है, किससे? संधारित्र के विभवांतर से। एक में आपका प्रेरकत्व का विभवांतर छोटा होता है, किसके? संधारित्र के विभवांतर से। और एक में आपके दोनों विभवांतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसको बोलते हैं अपन अनुनाद की कंडीशन, ठीक है? अब इसके अंदर जब आप ये चीज पढ़ो तो इन सभी के आप न्यूमेरिकल भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एक या दो नंबर का इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है? लास्ट टॉपिक पढ़ना आपको तीसरा, औसत शक्ति का व्यंजक। क्या पढ़ना है? औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त करना है। औसत शक्ति का जो व्यंजक होता है आपका पी एवरेज बराबर क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, इस व्यंजक को आपको प्राप्त करना, ठीक है ना? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 के लिए करना है, ठीक है? और जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ें तो आप इसके न्यूमेरिकल भी जरूर जरूर ट्राई करें, ठीक है? न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20 की, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 9, जो कि आपका सबसे बड़ा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में जाएगा, ठीक है? अब इनमें आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, अब इसमें इस जो भी टॉपिक पढ़ो आप उसका फॉर्मूला जरूर याद रखें, उसका न्यूमेरिकल एक जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर आपका दर्पण समीकरण, जो कि बहुत ही इजी है। इस दर्पण का समीकरण के आपको न्यूमेरिकल भी ट्राई करने ही है, ठीक है? दर्पण समीकरण हो गया। उसके बाद में आपको टॉपिक पढ़ना है लेंस निर्माता सूत्र, जिसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, ठीक है? तीसरा टॉपिक पढ़ना आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, इसका डेरिवेशन करना आपको, ठीक है? और फोर्थ करना आपको सूक्ष्मदर्शी। आप सूक्ष्मदर्शी में दोनों आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और एक आ जाएगा आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और दोनों ही पढ़ने आपको, ठीक है? अगर आप सरल सूक्ष्मदर्शी का कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी का ही कॉन्सेप्ट आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अप्लाई होता है, और सरल सूक्ष्मदर्शी का ही कॉन्सेप्ट आपके दूरदर्शी में अप्लाई होता है, ठीक है? तो एक बार जब भी आप इसको पढ़ो, तीन चार बार आप सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ो, उसी के बाद में आप इन दोनों को पढ़ो, ठीक है? और लास्ट टॉपिक पढ़ना आपको कौन सा, दूरदर्शी। अब जिस भी टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा उसका डेरिवेशन आएगा, प्लस साथ में एक या दो नंबर का उसी टॉपिक में से क्या आएगा, न्यूमेरिकल है, ठीक है? तो आप इन चीजों का अच्छे से जानना, जो भी टॉपिक पढ़े उसका फॉर्मूला याद करें और फॉर्मूले के साथ में उसका एक न्यूमेरिकल भी जरूर ट्राई करें, ठीक है? तो ये आपके सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात है। इन टॉपिक्स के अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, बहुत ही सरल टॉपिक्स हैं, आपके एक ही दिन में सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके कंप्लीट सेक्शन सी और सेक्शन डी के 17 नंबर कंप्लीट से कंप्लीट आए, ठीक है? तो आप तैयारी करें, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट।